हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ राहुल चौधरी। आज आपको बताने वाला हूँ मैं वीज़ा की कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, वीज़ा की चार कैटेगरीज होती है नॉर्मली देखा जाए तो। पहला होता है ई वीज़ा। और ई वीज़ा के अंदर क्या होता है, आपको जो वीज़ा मिलता है वो वीज़ा मिलता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से। आप इलेक्ट्रॉनिक एक फॉर्म निकलता है, उसके अंदर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि आपको कब जाना है, कितने दिन के लिए वीज़ा मिला है। ठीक है, इंटरनेट में आपको कहीं पे भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला है वीज़ा फ्री। वीज़ा फ्री के अंदर आपको वीज़ा की जरूरत नहीं होती किसी भी देश में ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट है वीज़ा ऑन अराइवल। जैसे ही आप निकलने वाले होते हो, ठीक है, किसी भी देश से, तो वहाँ से निकलते टाइम आपको एयरपोर्ट पर ही वीज़ा मिल जाता है, उसको बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। एक है ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल। ये दोनों सर्विस, ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल की जो सर्विस है, वो आपको एक साथ जिन कंट्रीज़ के लिए मिल जाती है उनके लिए ये इस्तेमाल होता है कि कौन कौन से देश वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिस कंट्री के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ वो ये है, एक वीज़ा भी होता है नॉर्मल वीज़ा। नॉर्मल वीज़ा के अंदर क्या होता है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा पहले एम्बेसी के थ्रू किसी भी देश के ट्रेवल करने के लिए। अप्लाई करने के बाद जब आपका इंटरव्यू के लिए नंबर आएगा, वो 1 महीने बाद भी आ सकता है, 10 दिन के बाद भी आ सकता है। जैसे अमेरिका के लिए उसमें लगभग 10 महीने 1 साल तक भी टाइम लग जाता है। और उसके बाद जब इंटरव्यू में आपका टाइम आएगा, इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना होगा उन लोगों को एम्बेसी के अंदर जो वहाँ के उस देश के रहेंगे कि आप वहाँ पे उनके देश में क्यों जा रहे हो, क्यों ट्रेवल करना चाहते हो, आपका इंटेंशन क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और फिर उनको ठीक लगेगा तो आपको वो अप्रूव कर देंगे और फिर आप उस कंट्री के अंदर जा सकते हो। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।